लेकिन हमारा बात ना बोलला हमारा बेटा के माता पर एगो पटीदार बना के बैठा देलक आ ओकरा के गाला में फांसी लगा देलक। आज हमारा बेटा खाली अकेला रहे सारा धन के मालिक भेद हो हमारा बेटा सुभाष के 5000 रुपए तो हम 50,000 अपने चिंता खोल जाला लेकिन एगो बात मलिकार के ध्यान अपने का ऊपर नहीं गया सुनल ना जा है के ज्यादा समय नहीं ज्यादा ध्यान दिले बानी सूरज ठीक बा हम सब के नौकरो लेखा वहां का नहीं थी मालूम केकरे के रुपया दे वाला कांता मां खुसुर खुसुर कहियो ना मुंशी में तोरा ने हमारा बेटा सुभाष के रुपया से पूछ लो लुब लुब मेहरारू के जाके तो लुब 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 जहाँ रहू कहा लुब कहो तोरा बाप के कमाई धन हमारा बाप के मेहनत लागल बा तोरे बाप के पीछे जरूरी बा हमसे कब ये पूछे थे हमारे बेटा क्या लोग कले के पढ़ता ओकरो तो पैसा के जरूरी बा अब कब लोग तोरा से पूछे थे हाँ पूछे थे तोहरा से बाल बाल बच्चा जब सियान हो जाला जवान हो जाला तब बाप मातारी के सामने वो नादाने रहेला अभी कौन ऐसा काम अगर खाली सुबह सुबह का हम पूछा था नहीं तोहरा से सुरु का अपन बेटा ना ये संतान है तोहरा भूख से उपायदा ले लेबा सुबह तो वो संतान है हर दम तो कहे ऐसा ना किसको बरहाल हो बरहाल फिर के हाँ आशीर्वाद रोवा तो कबूल आशीर्वाद ले रोवा तो कारी हाय सुरज कर रही ले अरे वो कैसे कबूल पूछनी है नहीं कहाँ करेगा अरे कहाँ करेगा हमारा सूरज एक संकेतर लड़का बा साथ पढ़े में ए वन के तेज बा कॉलेज में सब मास्टर लोगों पर प्रशंसा करेला और छात्रवृत्ति में भी बढ़िया पैसा मिलेला आ तो सुभाष कैसा बा आवारा धपत जा आवारा होई बेटा कितना ना चस्का के समझ लू न तो एक दिन ऐसा आ जाई कि कबार के दर्द बन जाए तोर अपन बात मान गई मोनिका हम कुछ तो लेके लेके जाओ साल से इस स्कूल में पहले को जाले इतना तेज पढ़ल सुभाष हाँ सुभाष सही कहा था जुओ खेला था और गलत कहा था ठीक है ए मंत्री जी हमारे बेटे का रुपया 5000 तक दे दी मलकी जी अपने के हुकुम उतारे के हमरे में हिम्मत कहाँ पा हम तो अपने के मुंशी उठान अपने 5000 का 2000 को हल्ला 50000 को हल्ला हमरे देव में घोड़ों तू तो सही के 2 मिनट में हम देते हैं 2 मिनट में दे दे है दोनों जाने के मेरी बहुत हम बात जाना था ठीक बा इधर कोनो बाप के कमाई ना हो हम जानत रही नहीं इस खलदान के बेटी आई तो हस आप करी आई मुंशी नहीं कसाई बा तू तो नीच खलदान बाबूजी ओ बाबूजी कहा देती आज हम बहुत खुश बानी बाबूजी खुश बानू का बात हाँ बाबूजी अपन सूरज भैया का पूरा कलाज में फर्स्ट कर लेवा अरे वाह सूरज में हमारा नाम रोशन कह जला बोला ये मौका पर तू का चाहता है बाबूजी ये मौका पर आज पार्टी दे हम एकदम दहन बेटी एकदम दहन जितना खर्चा हुई उतना खर्चा कर बाबू जी अगर सूरज भैया के जैसे सुभाष भैया भी मेहनत करते तो वो सफल रहते काहे कि तपस्या के नाम दोसर सफलता होला ओ ये तो बात बहुत बढ़िया कहली बस सुभाष जी सूरज खानी अगर फर्स्ट डिवीजन कर ले रहे आज हम पार्टी का पूरा गांव के हम जितना मिठाई खाई के रुकिया के रख दे सूरज
सुभाष के अगर इतना माथा पर चढ़ाव करू एक दिन तो तोहर लड़क तो हिबे करी हम कहा जा हम तो चलिए जाए दुनिया से ठीक बात भोगी आखिर बेटा के कर हमें सूरज बाबू आए अपने के हेसल ना भाई ये नहीं थे जानो आए बताओ तो क्या आए खुश रहा सूरज बधाई हो भैया बधाई सुना मुंशी जी जियत रहा बबुआ जियत रहा आखिर तो हम तो आज नौकरे नुहाई अरे इसे काहे कहत है मुंशी जी रघुआ ऐसा बात समझे पकड़ लेकिन हम नहीं समझ हम तो बस इतने जानता नहीं कि रघुआ हमरा से बड़ बानी अब बड़ बुजुर्ग तो पिता के समान होला लोग तो हर बात सुन के हमारे साथ करे जितना यार खुशी से झूम उठाल तू कितना बुद्धिमानी बाला तू फर्स्ट करे बाला आज हम भगवान से नहीं हो रहा करते यही भगवान आगे चल के हमारा बाबू के सही फर्स्ट कराओ चला बेटी जो थे लगातार कि आज सूरज द्वारा से नाराज बाला का अरे बाबू जी जुति अरे तोरा मुंह पर बारे का है बोलता अरे बारे बोले चाहे अरे हमारे बहन देखो हम तोहरा से माफी मांगे तनी अब तो खुश बाड़ो लो अरे अभी तक तनी हंस द देखो हम तोहरा ला बिहार 2 किलो मिठाई लिया के दे भैया लेकिन पार्टी आज ही देवे के होई ठीक बा आज होई अरे के कहत है आज पार्टी ना दिया आज पार्टी दिया है खुशी के मौका बा पार्टी दिया है कितना खर्चो जो तने देखल जाई ठीक बा बाबू जी भाई तक हाँ जितना रुपया हो गए मेरा में जितना दुकान में बढ़िया मिठाई देख के जितना लोग बैठे सब लोग में बांट दो मिठाई लेके बंटवा दो